जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। हर बार की तरह इस बार फिर आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम सुशांत लोक में आपको एक गेटेड ब्लॉक के अंदर लेके आए हैं। ए बी और सी ब्लॉक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बट दिस वन इज अ ब्लॉक विद इन अ ब्लॉक। जी हाँ, ब्लॉक विद इन अ ब्लॉक। कुछ सुशांत लोक की कहानी आपको बताता हूँ। तो सुशांत लोक में ए बी सी डी और ई ब्लॉक्स हैं। डी और ई ब्लॉक्स 100% गेटेड ब्लॉक्स हैं, और ए बी और सी ब्लॉक में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो गेटेड भी हैं और नॉन गेटेड भी हैं। ए ब्लॉक के रेट्स हाई हैं, बी ब्लॉक के रेट्स उससे मैचिंग हैं, और सी ब्लॉक के रेट्स फिर उसके बाद कम हैं। जनरली जो भी क्लाइंट्स आते हैं सुशांत लोक वन, वो सी ब्लॉक में घर लेना इसीलिए प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि सी ब्लॉक में सुशांत लोक वन की बहुत बिजी मार्केट्स हैं, और सी ब्लॉक सुशांत लोक वन गुड़गांव की दो बड़ी रोड्स को कनेक्ट करता है, तो वहाँ से थॉरोफेयर बहुत होता है। थॉरोफेयर से मेरा ये मतलब है कि वहाँ वो गाड़ियाँ भी आती हैं जिनको सुशांत लोक वन के अंदर नहीं जाना होता। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सुंदर गेटेड ब्लॉक में लेके आया हूँ, जहाँ मैं अभी टहल रहा हूँ। ये सुशांत लोक वन के अंदर सी ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक इन अ ब्लॉक है। सो दिस ब्लॉक इज द सी टू ब्लॉक विद इन द सी ब्लॉक ऑफ सुशांत लोक वन। दिस ब्लॉक इज नेम्ड एज लॉर्ड कृष्णा इनक्लेव। जहाँ नाम में कृष्ण हो वहाँ मज़े तो आएंगे। जी हाँ, तो लॉर्ड कृष्णा इनक्लेव में टोटल 116 प्लॉट्स हैं, 116 प्लॉट्स हैं, और एक ही एंट्री और एग्जिट है। यहाँ की RW ने सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और क्लिनलीनेस के बहुत अच्छे प्रोविजंस प्रोवाइड किए हुए हैं। कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो जनरली दो फ्लोर्स के ऑप्शंस मांगते हैं। इसमें कारण ये होते हैं कि पेरेंट्स वांट टू स्टे इन वन फ्लोर एंड देयर सन इज गेटिंग मैरिड एंड दे वांट अनदर फ्लोर फॉर देम, बट उनका बजट दो फ्लोर लेने के लायक नहीं होता। ऐसे कस्टमर्स के लिए आज मैं एक 5 बेडरूम, 7 वॉशरूम और 2 सर्वेंट क्वार्टर का घर लेके आया हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 बेडरूम, 7 वॉशरूम और 2 सर्वेंट क्वार्टर। इसका प्लॉट साइज है 680 गज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 680 गज पे बना हुआ ये 2 साइड ओपन गेटेड ब्लॉक में बिल्डर फ्लोर जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसकी प्राइसेस 6.5 करोड़ से शुरू होती हैं। In all my inventory, I have never found a place which has more space and gives you more value for money. Terrace unit इस पर बिक चुकी है। First floor और second floor की आज हम बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको total carpet area के terms में बताऊँ तो 6.5 करोड़ की asking पे आपको कम से कम यहाँ 4700-4800 square feet का carpet area मिलता है। 4800 square feet के carpet area को अगर आप उनकी asking price से divide करेंगे तो वो कुछ 13,000 से 14,000 की range में fall करेगा। जी हाँ, golf course road से 3 मिनट दूर 13,000 से 14,000 रुपये का rate। अब आप इस कॉलोनी की लुक एंड फील देख चुके हैं, आप समझ चुके हैं मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, एंड आई एम श्योर आप बेकरार हो रहे होंगे। ग्रीनरी देखिए, मतलब ऐसे लगता नहीं है ना कि सुशांत लोक के सी ब्लॉक में है। ये इस ब्लॉक की ब्यूटी है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वन इज अ ब्लॉक विद इन अ ब्लॉक। बहुत घर दिखाता हूँ आप लोगों को, हर हफ्ते हम 2 घर डालते हैं, हमारी ये कॉन्स्टेंट एक मुहिम है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं ना जो वैल्यू फॉर मनी चीख चीख के बोलते हैं, और ये वो वाला घर है। 680 गज है तो पार्किंग के बेस बहुत एडिक्वेट हैं, जगह ही जगह है, आप अपने नेबर से क्वारल नहीं करेंगे। चलिए स्टिल्ट के अंदर आपको लेके चलता हूँ और इस हाउस टूर की शुरुआत करते हैं। ये टॉप फ्लोर का पार्किंग बे है, ये मिडिल फ्लोर का पार्किंग बे है, और अभी आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग बे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बिल्डर जब भी कोई फ्लोर बनाता है तो आपको एहतियात बरतना चाहिए, दैट हाउ डू दे ट्रीट देयर स्टिल्ट। यहाँ पे स्टिल्ट पे टेक्सचरिंग हो रखी है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स को बहुत अच्छी तरह, आप जहाँ अभी मुझे देख रहे हैं उसके पीछे सटा के क्लियर एक पैनल बोर्ड में दिया गया है। ये देखिए टेक्सचरिंग, साथ में दिखेगा पैनल। उसके बाद बनाई हुई है 250-300 फुट की लॉबी, लॉबी ग्लास कवर्ड है, आपको अभी दिख रही होगी। यहाँ पे जो भी आपका डिलीवरी वाला आ रहा है आप उसको यहीं अटेंड कर सकते हैं, घर पे बुलाने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ है स्टिल्ट में। जो फ्लोर्स की हम बात कर रहे हैं उन दोनों फ्लोर्स को 3-3 गाड़ियों की कवर्ड कार पार्किंग मिलने वाली है। कवर्ड कार पार्किंग के बाद रैंप पे भी एक गाड़ी लग सकती है।
6.5 करोड़ का आस्किंग प्राइस है। जी हाँ, 6.5 करोड़ का फॉर द ग्राउंड फ्लोर यूनिट, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ। और अभी भी देख लो स्टैट्स ही हैं, इतने लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार चैनल को, पैसे थोड़ी मांगता है यूट्यूब इसके। फिर जब पैसे मांगने लग जाऊंगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक बने हुए हो, बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत अच्छा घर दिखाने वाला हूँ जो बड़ी फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज के लिए बिल्कुल एप्ट है। यहाँ पे बेडरूम्स के साइजेस इतने हैं कि आराम से बॉम्बे के रियलेटर्स उसको घर बोल के बेच सकते हैं। जी हाँ, बॉम्बे में जितने बड़े अपार्टमेंट होते हैं उतने बड़े यहाँ पे कमरे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप बेकरार हैं, मैं भी बेकरार हूँ। चलो अब मैं सीधे मिलूंगा आपको घर के दरवाजे पर। इस कोने की 8 पैसेंजर लिफ्ट से उतर के मैं आपके घर के लैंडिंग एरिया में आ गया हूँ। लैंडिंग एरिया इतना लैविश है कि यहाँ पे एक टेबल लग सकता है, मिरर्स लग सकते हैं, कुछ लोग भगवान की फोटोएं घर के बाहर लगवाते हैं। मैं पहली बात आपको एडवाइस करूँगा वास्तु के सेंस से भी, और वैसे भी भगवान की फोटोएं कभी घर के बाहर मत लगाइए। बट व्हाट आई मीन टू से इज यू कैन डेकोरेट दिस प्लेस। अब आपके पास टिल्ट में तो सर्वेंट क्वार्टर था ही, साथ में आपके घर के साथ भी एक अटैच सर्वेंट क्वार्टर है। सर्वेंट क्वार्टर की झलक देख लीजिए और चलिए घर के अंदर। अब मैं आपको दरवाजे पे खड़ा होके इस घर का लेआउट अपने स्टैंडर्ड तरीके में दूंगा। ये घर इस घर में ना चित भी आपकी है, पट भी आपकी है। कैसे? आप लोग वास्तु कंप्लायंट घर ढूंढते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि जो आपके घर की एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। तो इस घर में आप जब इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो यू आर फेसिंग इनटू नॉर्थ ईस्ट। जब आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर देखने आते हैं तो आप ये भी समझते हैं कि नॉर्थ फेसिंग प्लॉट होगा तो वहाँ धूप नहीं आएगी, समझते हैं ना? बिल्कुल, अगर समझते हैं तो आपके प्लॉट की फेसिंग है साउथ। चलो आपको ये मैं कंपस पे दिखाई देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कहा कुछ था और बुलाया दिखाया कुछ है। साउथ ईस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है और नॉर्थ फेसिंग आपके घर की एग्जिट है। सो वास्तु कंप्लायंट एंड फुल ऑफ सनलाइट। आप घर के अंदर घुसते हैं, जैसे ही आप घर के अंदर घुसते हैं आपके पास ये बहुत प्यारा फॉयर एरिया है। इस फॉयर एरिया को आप अपना वेटिंग लाउंज बना सकते हैं। आप यहाँ पे कोट हैंगर्स, मिरर्स और बहुत कुछ लगा सकते हैं। मैं बहक जाता हूँ जब बड़े घर दिखाने आता हूँ ना, तो चलो एक बार दोबारा आपको अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में घर के दरवाजे पे खड़े होके सबसे पहले इस घर का लेआउट समझा देता हूँ। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके में इस घर का लेआउट समझा देता हूँ। फ्रंट ऑफ द हाउस में हमारे पास एक ओपन डेक एरिया है जो आपके बिल्कुल पीछे है। ओपन डेक एरिया के साथ आपका है फॉयर। फॉयर आपका 170 फुट की जगह है। फॉयर के साथ लगता हुआ है आपका बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 2 के बाद है आपका पाउडर वॉशरूम और इसके बाद आपकी 500 फुट की लाजवाब लवरेज ड्राइंग डाइनिंग एरिया। अब घर के पीछे की तरफ आए तो बहुत बढ़िया अपार्टमेंट स्टाइल एलिड लेआउट दे रखा है। सबसे पहले आता है आपका किचन। किचन के साथ आपके पास शाफ्ट और स्टोरेज के लिए एडिशनल जगह भी है। उसके बाद आती है आपकी पूजा स्पेस। पूजा स्पेस के बाद बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 के बाद बेडरूम नंबर 3। आपकी 250 फुट की एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट फैमिली लाउंज एरिया या डाइनिंग एरिया, जैसे भी आप इसको बनाना चाहें। और उसके बाद एली के एंड में बेडरूम नंबर 4 और बेडरूम नंबर 5। बहुत ही बिजी लोकेशन, बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड होने के बावजूद भी ये घर एक बहुत ही क्वाइट और क्वेंट इलाके में है। इस घर का लेआउट ऐसे बनाया गया है कि आपको मैक्सिमम सनलाइट, मैक्सिमम वेंटिलेशन मिले। ओपन गार्डन डेक आपको एक बारिश के दिन में बैठने की परफेक्ट फील देगा। आप यहाँ पार्टीज कर सकते हैं, गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, बड़ी जॉइंट फैमिली हो तो आराम से रह सकते हैं। अब मैं आपको इस घर को इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ जिस तरीके से मैं इसको डिजाइन करता। यहाँ लगता मेरा 10 सीटर ग्रैंड ड्राइंग डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल जिस हिसाब का घर है, जो जेंट्री साइज है, किसी अच्छे मटेरियल का बनवाते ताकि ग्रैंडजोर और निखर के आता।
ये जो पीछे एरिया आप देख रहे हैं, इसके लिए मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। सबसे पहला आइडिया ये है कि यहाँ पे आप, अगर आप एक पार्टी लवर हो, तो आप अपना बार बना सकते हैं, आप अपना वाइन सेलर बना सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप यहाँ तक कटलरी क्रॉकरी के रैक्स लगा के अपनी सारी कटलरी क्रॉकरी यहीं प्लेस कर सकते हैं, ताकि आपकी हाउस हेल्प को आसानी हो। एक बार आपको डायमेंशंस बता देता हूँ। ये विड्थ हमारी है कुछ 15 फीट की। 15 फीट की विड्थ काफ़ी अच्छी होती है। 10 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से लग जाएगा, सर्विसेज भी प्यार से हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं तो इस ड्राइंग डाइनिंग एरिया को हम बंद भी करवा के आपके लिए दे सकते हैं। अब आपने डाइनिंग एरिया देख लिया। मैं हमेशा से जो ड्राइंग एरिया और जो फॉर्मल सीटेड एरिया होता है उसको रखना चाहता हूँ टूवर्ड्स द बैल्कनी। क्यों? क्योंकि कोई आए आपके घर और उनको सिगरेट पीने का शौक हो या बुरा शौक हो, जो भी हो, तो वो बाहर जा सके। बालकनी से नेचुरल लाइट भी अंदर आती है। साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, धूप आपको पड़ती दिखी रही होगी, तो नेचुरल लाइट जो है वो हमेशा कैरेक्टर ऐड करेगी आपके घर को। अलूक के आपके एल्यूमिनियम के डोर्स लगे हुए हैं। इससे आ जाता हूँ मैं बालकनी में। जो लोग बालकनी का साइज चेक करना चाहते हैं वो ये देखें कि 6 फुट की यहाँ बालकनी है, 8 फुट की यहाँ बालकनी है। और जो मैं ओपन डेक स्पेस आपको बता रहा था वो एग्जैक्टली ये है। अगर मैं इस घर को लेता तो मैं आइडली यहाँ पे एक झूला लगवाता। झूला इसलिए लगवाता कि सोचिए बारिश हो रही है, आप अपने बेटर हाफ के साथ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं झूले पे, व्हाट एन एक्सपीरियंस। यहाँ लगाता झूला, सामने लगाता प्लांटर्स, हरियाली की फील भी आती और मज़े भी ले पाता। एक मॉडर्न सा यू नो एल्यूमिनियम ग्राफ्टेड झूला लगाते, विच वुड रॉक, मूव वेल, बी कुशी, कम्फर्टेबल। उसके बाद आ जाइए अपनी बालकनी की स्पेसेस देखिए। 8 फुट की रनिंग बालकनी है यार, कहाँ मिल रही है आपको गुड़गांव में ये? ये घर जो भी ट्रेडिशनल होम बायर्स हैं, बड़ी फैमिलीज हैं, बड़े घरों से आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एप्ट और बहुत ही सूटेबल है। अब मैंने आपको आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया और बाहर का डेक दिखा दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फॉयर स्पेस में। फॉयर स्पेस क्या है बॉस? 160 फुट का आपका एक एंट्री का एरिया है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वी ऑलवेज मस्ट मेक श्योर दैट व्हेनेवर समवन कम्स इनसाइड आवर हाउस उसको इंप्रेशन बहुत बढ़िया पड़े। तो यहाँ से किसी की एंट्री हुई, ये आपका फॉयर एरिया है, लीड्स अप इनटू योर ओपन सीटिंग एरिया। वहाँ झूला लगा होगा तो वैसे ही फील आएगी। अब यहाँ लगा सकते हो आप टेबल, ठीक है जी। यहाँ आपने टेबल लगा लिए, टेबल पे आपने अपनी कीज़ वीज़ कुछ भी जो घर के अंदर आके रखना है वो रख लिया। उसके बाद सर्दियों के लिए आपने कोट हैंगर लगा लिए। आई वेयर लॉट ऑफ स्कार्फ्स, तो आपने एक स्कार्फ होल्डर लगा लिया। अब आपकी ये जो दीवार आती है सामने, इस दीवार पे आप क्या करें? मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। अगर मैं ये घर लेता तो मैं अपनी, मेरे पास कुछ 200 किताबें, आई वुड हैव बिल्ट अ ब्यूटिफुल लाइब्रेरी हियर। आते ही इंप्रेशन इंटेलेक्ट का पढ़े बंदे पे, देखिए इंप्रेशन तो आजकल, परसेप्शन इज द सिक्स्थ सेंस। दिखावे में बिलीव करना हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता, लेकिन क्या करें बॉस, कलयुग है, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहना चाहिए। सो आई वुड हैव डन अ लाइब्रेरी देयर, आई वुड हैव हैड अ स्मॉल टेबल हियर, अ चेस्ट व्हिच कुड हैव केप्ट माय एसेंशियल्स, एंड देन आई वुड हैव हैड पीपल वॉक इन हियर। तो यहाँ उनको पता लग जाता कि मैं स्मार्ट हूँ, वो तो आपको मेरी बातें सुन के वैसे ही समझ में आ जाता होगा। और अगर मेरे पास एक घर होता, लाइब्रेरी होती, तो आपको वो दिख भी जाता। अब आपके पब्लिक एरिया के बाकी स्पेसेस पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आराम से बेडरूम्स देखेंगे। आ जाइए अपनी किचन में। देखिए 680 गज में इससे बड़ी किचन बन सकती थी, लेकिन जितना मेरी समझ में आता है और मुझे जितना कुकिंग का और एर्गोनॉमिक्स का और रियल एस्टेट की समझ है, इस किचन में आराम से आप 20-25 लोगों का खाना बना सकते हैं विदाउट हैसल। हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव एंड ओवन आर इंस्टॉल्ड, विल बी गिवन टू यू। हॉब चिमनी लगे हुए, माइक्रोवेव ओवन लगवा के देंगे। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ट्रायंगुलर सेटअप यहाँ है, वहाँ लगेगा आपका फ्रिज, ये आएगी आपकी सिंक, और यहाँ है आपकी हॉब चिमनी। बहुत सारे घरों में बैल्कनीज नहीं होती, सर्विस एरियाज नहीं होते किचन के साथ। यहाँ पे इन्होंने शाफ्ट के बीच में एक बहुत बढ़िया सर्विस एरिया बना रखा है, वेट पॉइंट्स दे रखे हैं, वॉशिंग मशीन यहीं लगेगी, सफाई यहीं हो जाएगी, कोई चिकचिक नहीं, कोई किलकिल नहीं, पीछे जाना नहीं, यहाँ करना नहीं, किचन में ही सारा काम करो, पकाओ, धो, सुखाओ, साला सब यहीं हो जाएगा। मॉड्यूलर किचन है, हर जगह बनती है, मतलब यू नो द वर्क इज जनरली स्टैंडर्ड इन गुड़गांव। जहाँ कहीं बहुत अच्छा होता है वहाँ हम आपको बिल्कुल बताते हैं।
तो अब आपने अपना किचन देख लिया है, किचन देख लिया है, ड्राइंग डाइनिंग देख लिया है, प्राइवेट डेक देख लिया है, ये आपकी पूजा स्पेस। यहाँ पे आराम से आप अपना मंदिर स्थापित कर सकते हैं, थोड़ा काम करवाना पड़ेगा। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, अभी जैसा है वैसा ही मिलेगा। आगे आप यहाँ पे एक बढ़िया सा भव्य मंदिर बना सकते हैं। यहाँ पे इष्ट देवता को स्थापित करिए, घर वालों के साथ पूजन करिए, भगवान की ब्लेसिंग्स अपने साथ रखिए। इसके बाद आ जाता है आपका फैमिली लाउंज। मैं ये घर लेता तो 100% यहाँ लगते सोफा, यहाँ लगते बीन बैग, इधर लगती एक, मैं ना नीचे टेबल डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाता, ज़मीन पे बैठ के खाना खाता हूँ। तो मेरे यहाँ यहाँ मैं लगाता चटाई कि जिनको डाइनिंग टेबल पे खाना है वो वहाँ खा सकते हैं, मैं नीचे बैठ के खाता। डाइनिंग टेबल आलती पालती मार के खाना खाने से आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, डाइजेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। कमिंग बैक टू रियल एस्टेट, वहां लगते सोफे, यहाँ लगता टीवी, ये बन गया फैमिली लाउंज। अब आपने देख लिए हैं अपने पब्लिक एरियाज, अब आप बेडरूम देखने के लिए तो बेकरार होंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। आइए अपने इकलौते कमरे में जिसमें वुडन फ्लोरिंग है। यार कमरों के साइज तो गुरु ऐसे हैं कि भयंकर, मतलब 350 फुट का एक कमरा है। आप डायमेंशंस जानना चाहते हो तो मुझे पिंग करना, फ्लोर प्लान मैं आपको भेज दूंगा। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में आप जब वीडियो एंड होगी, वीडियो के एंड तक बने रहना, उस पर फ्लोर प्लान दिया हुआ है वो भी देख लेना। अभी तक चैनल पे बने हुए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो दफा हो जाओ या तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं जाओ मत, देखते रहो वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब कर लो। आओ कम कम इनसाइड, लुक एट दिस, दिस इज योर वॉशरूम गाइस। मतलब 350 square foot room, 200 square foot washroom, दिस इज एपिटोम ऑफ लक्जरी। हिम एंड हर की कबर्ड्स, हर जगह कहते तो हैं कहीं बनती नहीं है, यहाँ पे इतनी कबर्ड्स हैं कि आप हिम हर और बच्चों के भी कपड़े रख सकते हो। देखो देखो जी, देखो कबर्ड्स ही कबर्ड्स हैं। बहुत जगह ना आजकल वो दो सिंक दे देते हैं होटल वाले कॉन्सेप्ट में, यहाँ उन्होंने वो नहीं किया, सिंक एक ही दिया हुआ है। सिंक एक है, दैट्स योर सिंक, वैनिटी काउंटर जिसको बोलते हैं, ये आपका शार एरिया है। शार एरिया में रेन शार की सुविधा दे रखी है, कूलर का 1, 2, 3, 4, मुझे तो ऐसा लग रहा है बाढ़ नहीं आ जाएगी पानी की आ रही है, इतना शार होगा। तो बाथरूम से निकलिए, होटल लाइक बाथरूम है, बहुत बढ़िया फिनिशेज हैं बाथरूम की, इटालियन मार्बल का यूज यहाँ भी हुआ है, वो आपका डब्ल्यू सी एरिया है, कॉर्डन ऑफ है। देखिए व्हेन यू हैव अ डबल कंपार्टमेंटलाइज वॉशरूम राइट, इट एड्स टू योर एफिशिएंसी। ये होटल्स के लिए बनाया गया था, आजकल बिल्डर्स कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट है बॉस। चलो कमरे के अंदर आओ, ये आपके घर का छोटा कमरा है, दिस इज अ 240 square foot room। बिस्तर यहाँ लगेगा, सामने आएगा टीवी, पैनलिंग आपको करानी पड़ेगी, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अब आप बोलो 6.5 करोड़ की आस्किंग में बिल्डर पैनलिंग भी करा के दे, तो जान ले लो ना बिल्डर की। आप जब अपार्टमेंट लेने जाते हो ना आप लोग, तो आप लोग रॉ अपार्टमेंट्स, विट्रीफाइड टाइल्स वाले अपार्टमेंट सब खरीद लेते हो, जब आप बिल्डर फ्लोर लेने आते हो आप लोगों का, आप लोगों की इतनी हाई डिमांड्स होती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता हाउ डू यू गाइस इवन कैलकुलेट द डिफरेंशियल इन प्राइसिंग्स। यार प्रिवाना नॉर्थ डीएलएफ का है, 18,000 square foot पर सेक्टर 77 के जंगल में आप लोगों ने खरीदा है। मैं आपको सुशांत लोक वन में 13,000 square foot के रेट पे ये घर दे रहा हूँ। कम ऑन यार, जस्ट चूज हू यू वांट टू गो विद। आओ बाथरूम के अंदर, बाथरूम में कबर्ड्स अंदर है, नथिंग टू फ्लैशी, वेट एंड ड्राई एरिया इज अ सेपरेट, कूलर का सैनिटरी वेयर है। चलो दूसरा कमरा देख लिया है, तीसरे कमरे की तरफ चलते हैं। कमरे बहुत बड़े हैं, आज हम अपनी शूटिंग एलिमेंट में भी कुछ और नया ट्राई कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू शूट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एट द सेम टाइम। एनी ऑफ यू वीडियोग्राफर्स हु आर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट, कोई भाई आइडिया है तो हमें बताओ, हमारी टीम कॉमेंट्स पढ़ती है आपके। आओ बेडरूम नंबर 3 के अंदर, बेडरूम नंबर 3 बहुत बढ़िया साइज है, डेप्थ देखो कमरे की, आप 15 फुट की विड्थ है, 20 फुट की डेप्थ है, 300 फुट का कमरा है, शाफ्ट में भी खुलता है, बिस्तर लगाओ, टेबल लगाओ, सेटी लगाओ, प्लेस्टेशन खेलो बैठ के,
कमरे में अपनी बीवी से लड़ लो, गर्लफ्रेंड से फोन पे बातें कर लो, बॉम्बे में इस साइज के साले घर दे रहे ब्रोकर, उनके 350-350 के सब्सक्राइबर हैं, मैं तुम्हें यहाँ कमरे दिखाता हूँ 300-300 स्क्वायर फुट के, और यार आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। आज मैं थोड़ा रैंटी हो गया हूँ, चलो जाओ बाथरूम देख के आओ। कबर्ड्स आर इनसाइड द वॉशरूम, दो देयर इज इनफ स्पेस इन द रूम दैट यू कैन डू बोथ कबर्ड्स इन एंड आउट ऑफ द रूम। ये आपका डेड एरिया है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कबर्ड्स भी बना सकते हैं। वैसे अगर मेरा ये कमरा होता, यहाँ लगता मेरा टीवी 80 इंच का, नीचे लगता कॉन्सोल, पीएस आता, यहाँ रखता मैं बीन बैग्स अपने उन दोस्तों के लिए जो घर आते हैं और उनको पीएस खेलना नहीं आता, और वो आके मुझे फीफा खेलते देखते हुए चेयर करते हैं, दैट्स फॉर द लूजर्स। ये लूजर्स का सेक्शन है। इधर सॉरी लूजर्स तो नहीं, दोस्त हैं अपने। यहाँ लगा लेता मैं एक स्टडी टेबल, बिकॉज आई जनरली लाइक स्पेस टू रीड एंड सिट इन द रूम, और साथ में यहाँ सेटी लगा लेता। बिस्तर लगने के बाद, सेटी लगने के बाद, प्लेस्टेशन का डेक और बीन बैग्स लगने के बाद भी इस कमरे में जगह मिलती है। पता नहीं और क्या लोगे यार, चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ना चैनल। तीन कमरे आपको दिखा चुका हूं, पूजा स्पेस आपको दिखा चुका हूं, अब भूल गया था कि चौथा कमरा भी यही है, तो चौथे कमरे में चलते हैं। फोर्थ रूम इज अ 180 स्क्वायर फीट रूम। अब आप बोलेंगे यार इतना बड़ा घर है, कमरा छोटा है। बॉस इस घर में ना यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर क्या है कि चार कमरे ऐसे हैं जिनके साथ प्राइवेट बैल्कनी है। प्राइवेट बैल्कनी मतलब नो इंटरफेरेंस, नो एंट्रेंस। तो अगर दो भाई हैं, जैसे मेरा तो आई एम दी ओनली चाइल्ड, अगर किसी का सिबलिंग हो उनको पता हो भाइयों में लड़ाई होती है, उनकी अगर बैल्कनियाँ मिलती हों, बड़ा भाई छोटे भाई पे गुंडागर्दी करेगा ही करेगा। इस कमरे में छोटे भाई को कमरा दे दो, इंडिविजुअल बैल्कनी उसकी, तो बड़ी बड़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया हुआ है। ड्रेसर बहुत अच्छा है, टीवी यहाँ लगेगा, बिस्तर जहाँ मैं पीछे खड़ा था, अंदर जाके अपना बाथरूम देखो, आओ मैं ही दिखा देता हूँ। बाथरूम में डेप्थ बहुत है, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट। ये हो गया आपका बेदिंग एरिया, कूलर के अप्लायंसेज हैं, सैनिटरी वेयर सारा दिया हुआ है, अच्छा शार का वो दे रखा है, पत्थर का काम है। बाथरूम देख लिया, ये आपकी कबर्ड्स हैं, चार कबर्ड्स हैं, आराम से सामान रख सकते हो, सामान रखो, कपड़े खरीदो, हर सीजन खरीदो, पैसे बर्बाद करो, स्टॉक्स मत खरीदो, कपड़े खरीदो। लेकिन देखो ये ब्रांडेड ब्रांडेड लवर्स, हम आपको क्या बताएं, हम तो देखो जी सिंपल देसी आदमी है, कुर्ता पजामा पहनने वाले। व्हाइल्स्ट आई से दैट, लेट मी टेल यू, रियलिटीज नेक्स्ट डोर मेक श्योर दैट विद द अटमोस्ट अमाउंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, वी फर्स्ट डू द ड्यू डिलिजेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, वी मेक श्योर दैट एवरी प्रॉपर्टी दैट वी शो यू हैज एन ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट, वरना हम घर नहीं दिखाते। आपने ये भी कभी कभी नोटिस किया होगा कि मैं आपको घर अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब फिनिशिंग से पहले वाली स्टेज में दिखाता हूँ, उसको क्यों दिखाता हूँ, वॉट इज द रीजन? The reason is that I do not want to only show you houses to get bloody views on it. I want you home buyers to get the best inventory of Gurgaon. कैसे मिलेगी वो best inventory? वो मिलेगी घर जब complete हो रहा है तभी आप अगर उसको देख लो, तभी आपको best rates और best inventory मिलेगी। एक pro tip आज जो मैं आपको इस घर में खड़े होकर देना चाहता हूँ, कभी भी घर देखने जाते हो ना और उस घर में चारों फ्लोर बचे होते हैं और आपको घर समझ में आता है, तो मीटिंग जल्दी मांग लेना, बिकॉज आप उस बिल्डर की बोनी कराओगे, नक्की कराओगे, उस टाइम पे आपको जो डिस्काउंट मिलेगा ना वो कभी नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ध्यान रख लेना। और अपने जो नए नए लड़के आजकल यूट्यूब चैनल बना के गुड़गांव के रियल एस्टेट में हमारा स्टाइल कॉपी कर रहे हैं उनको भी बता देना। चलिए पाउडर वॉशरूम देख लीजिए, ब्लैक्स का काम है, ब्यूटीफुल एलिगेंट लग्जरी सेक्सी। तो घर में दो मास्टर बेडरूम होने चाहिए, एक सामने एक पीछे। जैसे अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, एक पापा का, एक आपका और आपकी वाइफ का, पापा मम्मी का और आपका और आपकी वाइफ का। 300 फुट का एक कमरा है, 8 फुट की बालकनी, सामने वुडन फ्लोरिंग हो रखी है, पीछे किया हुआ है वॉलपेपर का काम, यहाँ लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी, वुडन पैनलिंग कर रखी है, साथ में सेटी लगाने के लिए, सोफा लगाने के लिए जगह है। बाथरूम है 200 फुट का, फिर से बॉम्बे के घर हमारे वॉशरूम, बॉम्बे के घर हमारे वॉशरूम बराबर है, है? सब्सक्राइबर मत बढ़ाना नॉर्थ इंडिया वालों, शर्म कर लो। बॉम्बे के लोग अपने रियलिटर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। 80% लोग हमारे नॉन सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हो, मजे लेते हो, बातें सुनते हो, कमेंट करते हो, कमेंट का मैं जवाब भी देता हूं। अगर घर पसंद आते हैं, अगर कॉन्टेंट पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घर अब आपने देख लिया,
दो फ्लोर इस घर में आज भी बचे हैं, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। गुड़गांव की रजिस्ट्री में ग्राउंड और फर्स्ट नहीं बोलते, फर्स्ट और सेकंड बोलते हैं। चलो एक बार बाहर आओ, आपको इस घर के सैलिएंट फीचर्स बताऊं और आपको अलविदा कहूं। विद इन 500 मीटर्स ऑफ द बेस्ट मार्केट्स ऑफ गुड़गांव, नेमली गैलेरिया व्यापार केंद्र सुपरमार्ट, 750 मीटर्स फ्रॉम द हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, 400 meters from the Courtyard Marriott Hotel. This one is a five bedroom, six washroom house in Sushant Lok phase one. This one is in a block which is inside a block. तो block के अंदर block की feeling है, 100% gated है, 116 plot है, एक ही entry exit है। ये Sushant Lok one के C2 block में है। इस block का नाम है Lord Krishna Enclave। 4,500 square foot से ऊपर आपको carpet area मिलेगा, balcony spaces मिला लेंगे तो 5,000 टॉप जाएंगे। Starting price is at 6.5 CR per square foot rate balls down to 13,000 square feet. In the heart of Gurgaon, 2 minutes for Golf Course Road. This is the best value for money deal that any joint family, any big house can get. Video mein bane hue ho, to aapka tahe dil se shukriya. Channel ko subscribe kar lo. This is Chetan Kaushal saying Jai Hind for today.